बाजार के लिए आज कमजोर संकेत, गिरावट के साथ हो सकती है घरेलू बाजार की शुरुआत। शेयर बाजार की कमजोरी कायम, ऐसी सूची में मामूली बढ़ाई। येन के मुकाबले लगातार तीसरे दिन कमजोर हुआ डॉलर, 17 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा जैपनीज येन। जापान बाजार पर दिख सकता है दबाव, मारुति जैसे शेयरों पर भी दिखेगा नकारात्मक प्रभाव। भारतीय एयरटेल ने खरीदा एयरसेल का 4G इंटरनेट स्पेक्ट्रम, 3,500 करोड़ रुपए में हुई डील। खरीद के बाद कंपनी 8 सर्किल्स में दे पाएगी 4G सेवाएं। यूके स्टील कारोबार की बिक्री के लिए आज से औपचारिक प्रक्रिया शुरू करेगी टाटा स्टील, 3 निवेशकों से स्टील कारोबार खरीदने की इच्छा जताई। मानसून की बारिश पर कल तक अनुमान जारी कर सकता है मौसम विभाग। देश के कई राज्य सूखे की मार से परेशान, फोकस में रहेंगे कृषि।